तो अब हम जा रहे हैं RUHS, ठीक है। अब सभी के आंसर की क्या पत्ती लगाने, तो शुरुआत अब यहीं से करते हैं ताकि एक एक चीज का पूरा अपडेट हम दे पाए। मैं हूँ, नैन सर है हमारे साथ, दीपक सर है, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं आपके लिए आपत्ति लगाने, सारे बच्चे वहाँ पर हमें मिलें ताकि हम अच्छे से आपत्ति लगा पाएं और आपके नंबर्स बढ़ पाएं, क्योंकि RUHS ने बहुत क्वेश्चंस गलत कर दिए। हेलो जी, नमस्कार। तो अभी हम RUHS आ चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि RUHS ने दो या तीन या चार जितने भी क्वेश्चन में जो गड़बड़ की है, तो उसकी आपत्ति दर्ज कराने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं। और ये GSPN की टीम आपके लिए, जो हमने जो अनाउंसमेंट किया था कि हम यहाँ पे आएंगे और आपत्ति दर्ज कराने में सहयोग करेंगे बच्चों का, तो यहाँ पे प्रेजेंस है और काफ़ी सारे बच्चे भी आए हैं, आप जैसे पेरेंट्स भी आए हैं, पेरेंट्स भी आए हैं। तो ये जो आपत्ति है ये हम दर्ज करा रहे हैं कुछ क्वेश्चन में, जो जो RUHS में जो गलतियाँ की है, जो जो आंसर है मिस्टेक है उनके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे साथ ही कुमार गौरव भाई भी हमारे साथ है, जिन्होंने बच्चों का पूरा सपोर्ट किया है, पेरेंट्स भी उनके आए हैं। कुछ दो लाइनें आपको कहना चाहोगी सर? सर ये चाहिए कि जो नंबर है वो सही हो जाए ताकि बच्चों का भविष्य बना रहे, बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ी नहीं हो, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्य सब करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तीन क्वेश्चनों की आपत्ति है और उसके लिए आज हड़ताल थी, लेकिन कैसे भी करके हमने सबमिट कर दिया है इस चीज को। बट ये है कि इस पर जल्दी से जल्दी जो है सही करके आंसर की को जारी करके रिजल्ट जारी करे और काउंसलिंग को चालू करे ताकि बच्चों का सेशन डिले ना हो, पिछली बार की तरह इस बार ना हो कि छह छह महीने काउंसलिंग जो है डिले हो जाए। तो हम यही चाहते हैं कि बस इस पर जो है एक दो दिन में आंसर की न्यू जारी करके और रिजल्ट जारी करके काउंसलिंग की प्रोसेस को चालू करवाई जाए। और जैसा कि बच्चों आप जानते हो, चाहे एक बच्चा है, चाहे दस बच्चे है, चाहे पंद्रह है, GSPN टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। दूर से बोलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ठीक है हम यहाँ पे आए, बच्चों का हमें प्यार मिला और जो उनका काम था हमने वो करवा दिया, उसके लिए बहुत खुशी है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, अलविदा। जितना हो सके आप बिल्कुल परेशान मत होना है, क्योंकि सर ने जैसा कि सबमिट करवा दिया है। बाकी आपको मैं एग्जैक्ट बता दूं, एक कॉपी हमने यूनिवर्सिटी भी जमा करवाई है, एक कॉपी जो भी आगे जो भी फैकल्टी है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है उनको जमा करवाया है। बाकी GSPN की टीम के साथ मैं भी यहाँ पे आया हुआ था, बाकी जो भी पेरेंट्स आए हैं उन सभी का सपोर्ट इसलिए है। और इस बार कोशिश की जाएगी आपका रिजल्ट जितना जल्दी हो सके ना उसको निकाला जाए, और हो सके अगर कोशिश की जाए तो आंसर की भी द्वारा निकलवाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस गलत होना सर का भी प्रूफ आना, यहाँ पे पूरी फैकल्टी आई है, एक माइक इस 4x4 के रूम से बोलने से कुछ नहीं होता। और ये बात अगर किसी को बुरी लगती है तो मुझे दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बारिश में खड़े हुए हैं, सारी टीम भीग रही है, ये बच्चे दूर से झालौर से कोई सीकर से झुंझुनू से आए हुए हैं और कल से परेशान है। आपको एक दिन का टाइम दिया है और जितना हो सके ना इस वीडियो को शेयर करना और हो सके तो टैग RUHS CMS करना या फिर RUHS यूनिवर्सिटी जरूर करना, जिससे आपकी आपत्ति है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। और यही उम्मीद है RUHS से, एक बार दिनेश सर का मैं धन्यवाद बोलूंगा, उनकी टीम का, बाकी जो सारे आए हुए हैं, और आप लोग इसी तरह मेहनत करो और आपके साथ काउंसलिंग से लेके आपको कॉलेज तक पहुंचाने की वीडियो अच्छी लगती है।